What rule this, whether it is 184 or 193, under what rule? Item number 14. मैंने शुरू किया है इसका विषय श्री राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष महोदय इस गरिमामयी सदन में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता पर अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं अध्यक्ष महोदय चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जैसा आपने भी अभी अपने संबोधन में कहा है क्योंकि एक तरफ दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं जो हमसे कहीं अधिक साधन संपन्न होते हुए भी चांद पर पहुंचने के लिए अब भी प्रयासरत हैं तो वहीं दूसरी तरफ बेहद सीमित संसाधनों के से चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं अध्यक्ष महोदय मैं मानता हूं कि यह उन सभी लोगों के लिए गौरव का विषय है जो अपने राष्ट्र और राष्ट्र की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं अध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं इसरो के साइंटिस्ट और ब्रॉडर इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को इस सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूं यह हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता उनकी लगन और राष्ट्र के विकास के प्रति उनके समर्पण का ही यह प्रतिफल है अध्यक्ष महोदय ऐसा मैं मानता हूं कि हमारा राष्ट्र आज विज्ञान की दुनिया में अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है आज केवल मुझे ही नहीं बल्कि सरकार को ही नहीं बल्कि सदन को ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को अपने देश के वैज्ञानिकों पर गौरव की अनुभूति हो रही है अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय मैं एक विज्ञान का छात्र रहा हूं मैं फिजिक्स का शिक्षक भी रहा हूं यहां पर मौजूद हमारे कई ऐसे साथी हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं हम सभी यह बात जानते हैं कि स्पेस साइंस विज्ञान का है कि एक फ्रंटियर एरिया हुआ करती है अध्यक्ष महोदय जिस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स और जेनेटिक्स विज्ञान के फ्रंटियर एरियाज हैं और उसी प्रकार स्पेस साइंस भी एक विज्ञान की फ्रंटियर एरिया है और इस एरिया में प्रगति करने के लिए अध्यक्ष महोदय निश्चित तौर पर हमें एक टॉप क्लास साइंटिफिक इकोसिस्टम चाहिए होता है और हमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा भी चाहिए और उच्च गुणवत्ता के हमें शिक्षक भी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए अध्यक्ष महोदय इंडस्ट्रीज चाहिए होती है जो साइंटिफिक प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सके ऐसी हमको इंडस्ट्रीज भी चाहिए अध्यक्ष महोदय कहने का मेरा अर्थ यह है कि अगर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे हैं यह एक ओर इसरो की सफलता तो है ही साथ ही यह इस बात का भी द्योतक है कि हमारे देश का साइंटिफिक इकोसिस्टम जिसमें करोड़ों करोड़ों भारतीयों ने जाने अनजाने अपना योगदान दिया है वह अपनी आज शेप ले रहा है यह दिखाता है कि हमारे स्कूल्स हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में साइंस की पढ़ाई बेहतर हो रही है और हमारी इंडस्ट्रीज भी अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स और सप्लाई कर रही है अध्यक्ष महोदय हमें अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे टीचर्स और रिसर्चर्स आज मिल रहे हैं इसलिए आज हम किसी उपलब्धि तक पहुंचते हैं तो उसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं अध्यक्ष महोदय जिन्होंने इस यात्रा में अपना किसी भी प्रकार का सहयोग दिया है और राष्ट्र के भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट को जन्म दिया है और अध्यक्ष महोदय जब मैं यहां साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा मतलब कुछ वैज्ञानिक उपकरणों की कुछ साइंटिफिक ऑपरेटर्स के केवल डेवलप कर लेने भर से नहीं है यह हमारे कहने का तात्पर्य नहीं है साइंटिफिक टेम्परामेंट की यदि मैं बात कर रहा हूं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट से मेरा आशय यह है कि वैज्ञानिकता और तार्किकता ये दोनों हमारी सोच में हो वह हमारे बात और हमारे व्यवहार में हो और वह हमारे स्वभाव में भी हो आवश्यक नहीं
हम जब विज्ञान का विषय पढ़ें तभी हम साइंस से दो चार हों, बल्कि हम आर्ट्स, म्यूजिक और साथ ही साथ एस्थेटिक्स भी पढ़ें तो हम उसमें भी साइंटिफिक अप्रोच रख सकें। मैं इस साइंटिफिक टेम्परामेंट की यहां पर अध्यक्ष महोदय बात कर रहा हूं, और हम सब इस संबंध में बड़े भाग्यशाली हैं अध्यक्ष महोदय कि यह टेम्परामेंट प्राचीन काल से ही हम भारतवासियों को विरासत में मिला हुआ है। आप देखें, चाहे हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद हों, या फिर उपनिषद देख लें, या फिर स्मृति ग्रंथ देख लें, सर्वत्र आपको विज्ञान या फिर विज्ञान से युक्त विचारों के दर्शन करने को मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैथ्स, साइंस, मेडिसिन, लॉजिक आदि से जुड़े जितने भी फार्मूले यानी सूत्र हैं, हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ये दिखाई देते हैं, जो ग्रंथ हमारी संस्कृत के आधार हैं। इनके मैं उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन लंबा समय लगेगा अध्यक्ष महोदय, उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है, और कुछ ऐसे लोग हमारे सदन में भी हो सकते हैं, कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और साइंटिफिक टेम्परामेंट के बीच विरोधाभास है। कुछ ऐसे भी मानने वाले लोग हमारे देश में हैं। यहां तक कहा जाने लगा कि अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं तो आप पीपल की पूजा कैसे कर सकते हैं, आप नीम की पूजा कैसे कर सकते हैं, आप तालाब की पूजा कैसे कर सकते हैं, या फिर आप गाय को माता कैसे कह सकते हैं। अध्यक्ष बोले, अगर आप वैज्ञानिक की तरफ सोचते हैं तो मूर्ति पूजा कैसे कर सकते हैं, यह कहने वाले लोग हमारे देश में हैं। बोले, बात तो यहां तक अब होने लगी है कि संस्कृत का विरोध करना, विरासत का विरोध करना, यह प्रगतिवाद यानी प्रोग्रेसिव होने का सूचक हो गया है। और प्रगतिवाद वह नहीं रह गया जो प्रगति की बात करे, बल्कि प्रगतिवाद वह हो गया जो अपनी संस्कृत और विरासत का केवल विरोध करे, वह भी इसलिए कि उसे विरोध करना है। पूछा जाने लगा कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान का भला आपस में क्या लेना देना है, इन दोनों में आपस में क्या रिश्ता है। भारत में कभी धर्म और विज्ञान का सामंजस्य रहा ही नहीं है, यह भी कहने वाले लोग हैं। विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों का ऐसा भी आरोप रहता है, क्योंकि राज्यसभा में मैंने सुना था कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान एक साथ चल ही नहीं सकते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, इनका ऐसा मानना है कि संस्कृति विज्ञान की विरोधी होती है। मैं इस सदन के माध्यम से उनके इन प्रश्नों का जवाब देने की भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। भारत में यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि हमारी संस्कृति विज्ञान की विरोधी है, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को न तो हमारी संस्कृति का स मालूम है और न ही विज्ञान का व मालूम है। हमारे जो भी साथी विज्ञान का उद्गम पश्चिम के विचारों से मानते हैं, उन्होंने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो मालूम होगा निश्चित रूप से उन्हें कि पश्चिम में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं जहां चर्च और धर्म की मान्यताओं के खिलाफ जाने पर, वैज्ञानिक बातें कहने पर व्यक्तियों को जहर दे देना या उन्हें जिंदा जला देना यह आम बात सी हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, उनको अपने वैज्ञानिक विचार छिपाकर कहने पड़ते थे, पर आज से लगभग 2000 साल पहले आर्यभट्ट ने जब कहा था कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, तो क्या उनका विरोध हुआ था? वराहमिहिर ने जब यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स हर वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, तो क्या किसी व्यक्ति ने वराहमिहिर के इस सिद्धांत को अधर्म कहा था? जब भी भारत में किसी ने कोई नया वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है अध्यक्ष महोदय, तो भारतीय समाज ने उस व्यक्ति को ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित किया है अध्यक्ष महोदय। और मेरा मानना है कि संस्कृति के बगैर कल्चर के बगैर विज्ञान, और विज्ञान के बगैर कल्चर या संस्कृति अधूरी है। संस्कृति और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़ने के बाद ही अध्यक्ष महोदय वह पूर्णता को प्राप्त करते हैं। दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही मनुष्यता के लिए भी यह आवश्यक है।
इसका एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग 2 वर्ष पहले उत्तराखंड में भूस्खलन के रूप में एक दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आई हुई थी। मैं समझता हूं कि सदन के सभी सम्मानित सदस्यों की इसकी जानकारी होगी, जिसके कारण एक सुरंग में हमारे कुछ मजदूर फंस गए थे। अब इससे निपटने के लिए यहां पर विज्ञान की भूमिका सामने आएगी। हमने सेंसर आदि के माध्यम से यह पता लगाया कि मजदूर सुरंग में कहां फंसे हुए हैं। उसके बाद हमने हेलीकॉप्टर से उन लोगों को वहां से निकालने में भी कामयाबी हासिल की। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसे ही सुरंग से पहले मजदूर को बाहर निकाला गया, अन्यथा कोई न ले, जैसे ही मजदूर को सुरंग से बाहर निकाला गया, बाहर निकलते ही इसने दोनों हाथ ऊपर करके बड़ी तेजी के साथ जय घोष किया, बद्री विशाल की जय। अध्यक्ष महोदय, इस वाक्य ने सारी दुनिया को बताया कि धर्म और विज्ञान किस तरह से यह आपस में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से अलग नहीं है धर्म और विज्ञान, बल्कि यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से विज्ञान ने उस मजदूर को सुरंग से बाहर निकालने में अध्यक्ष महोदय बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन उन मजदूर बंधुओं को सुरंग के भीतर जिसने जिजीविषा की शक्ति प्रदान की, जिसने साहस प्रदान किया, जिसने मनोबल प्रदान किया, जिसने आखिरी समय तक प्रयास करते रहने की शक्ति प्रदान की, वह और कुछ नहीं, हमारा सांस्कृतिक विश्वास ही था अध्यक्ष महोदय, जिसने कि यह संबल उन्हें प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, वह हमारी कल्चर, वह हमारी संस्कृति ही थी जिसने सुरंग में फंसे उस मजदूर को यह भरोसा दिलाया कि वह इस संकट से बचकर निकल जाएगा, उसके ईश्वर इस संकट से उसे निकाल लेंगे, यह उसका विश्वास था, भरोसा था। अध्यक्ष महोदय, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति इंक्लूसिव नेचर की है, समावेशी या स्वभाव की है। हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमें अखिल मानवता के बंधुत्व का पाठ पढ़ाता है। हम सबने देखा कि जियोपॉलिटिकल दृष्टि से काफी कठिन जो वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद हम G20 समिट का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सफल आयोजन कर सके एवं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर भी हम कंसेंसस जुटाने में पूरी तरह से कामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा से दिया गया संदेश है, जिसमें पूरी मानवता को एक सूत्र में बांध दिया है। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत का यही विश्वास, भारत का यही बंधुत्व का भाव प्रधानमंत्री जी ने G20 की सफलता पर भी मुखरित किया, जब उन्होंने यह कहा था कि यह केवल भारत की सफलता नहीं है बल्कि पूरे विश्व की यह सफलता है। अध्यक्ष महोदय, विज्ञान तो वैल्यू न्यूट्रल होता है। यह वैल्यू न्यूट्रल क्या है, मैं आगे इसको विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा। चंद्रयान जैसे अंतरिक्ष यान हो, या परमाणु के भीतर छिपी शक्ति हो, या फिर DNA एडिटिंग की टेक्नोलॉजी हो, विज्ञान हमेशा यह मूल्य निरपेक्ष होता है, यानी वैल्यू न्यूट्रल होता है। विज्ञान हमें परमाणु शक्ति का ज्ञान दे सकता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह संस्कृति ही है, वह कल्चर ही है जो हमें मार्ग दिखलाएगी उस परमाणु शक्ति का उपयोग हम ऊर्जा के रूप में स्वयं के विकास में करते हैं, या फिर हथियार के रूप में अन्य का विनाश करने में हम करते हैं। कहते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ती जाती है अध्यक्ष महोदय, वैसे वैसे हमारे संस्कारों का महत्व भी स्वाभाविक रूप से यह बढ़ता जाता है। प्रारंभ में मानव के पास बहुत सारे विकसित हथियार नहीं थे, ऐसे में यदि उससे कुछ नुकसान भी होता था तो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता था। पर अध्यक्ष महोदय, आज जब मानव के पास परमाणु शक्ति आ गई है और मानव ने चंद्रमा तक पहुंचने के भी रास्ते खोज लिए हैं, तब ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग भी उसी पैमाने पर संभव है, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब मैं जर्मन फिलॉसफर नीत्से ने गॉड इज डेड
कहकर अपने महामानव को सामाजिक नैतिकता से मुक्त किया तो उसका नतीजा जर्मनी में नाजीवाद के कहर के रूप में प्रकट हुआ था। जर्मनी में हुए नरसंहार में मानवता को खत्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स, जो उपकरण प्रयोग में लाए गए थे, जिन हथियारों या फिर जिन केमिकल्स का प्रयोग हुआ था, निश्चित रूप से वे सभी विज्ञान की ही देन थे अध्यक्ष महोदय। लेकिन नैतिकता और मानवीयता के गुणों के अभाव में उन सभी वैज्ञानिक खोजों का किस प्रकार दुरुपयोग हुआ, इसे हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे वह निश्चित ही विज्ञान की ही देन थे अध्यक्ष महोदय। वह विज्ञान की शक्ति के प्रतिनिधि थे, पर अभाव था तो धार्मिक शक्ति और नैतिक शक्ति का अभाव था। अगर उनके भीतर धार्मिक और नैतिक शक्तियां यह प्रबल होती तो इतिहास को इस काले कृत्य से बचाया जा सकता था अध्यक्ष महोदय। इसलिए विज्ञान कितनी भी प्रगत कर ले, अध्यक्ष महोदय विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगत कर ले, वह संस्कृति और संस्कारों के बिना सदैव अधूरा रहेगा, ऐसी हमारी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि साइंस गिव्स मैन नॉलेज विशिष्ट पावर, रिलीजन गिव्स मैन विजडम विशिष्ट कंट्रोल। अध्यक्ष महोदय, एक बात पर मैं समझता हूं कि ध्यान देने की हम सभी को जरूरत है कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वैज्ञानिक किसी यान को चांद या मंगल पर भेजने के लिए करते हैं, कमोबेश उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिसाइल में भी काफी हद तक किया जाता है। पहला उपयोग मानवता के विकास में होता है अध्यक्ष महोदय, जबकि दूसरा उपयोग मानवता के विनाश में होता है। पर अपना अपना सबका इंटरेस्ट है, सबकी अपनी अपनी रुचि है कि कुछ राष्ट्रों का ध्यान पहले वाले उपयोग पर अधिक होता है और कुछ राष्ट्रों का ध्यान दूसरे वाले उपयोग पर अधिक होता है। अध्यक्ष महोदय, कई बार कुछ लोगों का यह भी आरोप रहता है अब देश में ऑलरेडी जमीनी विकास के इतने कार्य करने के लिए पड़े हैं जिसमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है, संसाधनों की जरूरत होती है, तो ऐसे में चंद्रयान जैसे मिशन भेजने की क्या आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों का भी जवाब मैं आपकी अनुमति से इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। जब हम इस प्रकार के मिशन भेजते हैं या फिर हम किसी प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति हम करते हैं तो इसका जमीनी विकास से किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता है। हम यदि स्पेस रिलेटेड कोई भी मिशन भेजते हैं तो बाहरी तौर पर दिखने में सिर्फ स्पेस से रिलेटेड यह लग सकता है हम सबको, लेकिन वास्तव में उसका प्रभाव आम जनमानस पर भी पड़ता है, इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यह स्पेस प्रोग्राम्स भारत का तो नाम रोशन करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इन मिशन्स का जो बहुआयामी उपयोग होता है उसका प्रभाव आम जनता के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। स्पेस मिशन्स हमें अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं, जैसे यदि हम इसके माध्यम से रेनफॉल पैटर्न यानी वर्षा होने का जो पैटर्न है इसका बेहतर प्रेडिक्शन यदि कर रहे हैं तो हमारे किसान बंधु बांधों के लिए फायदेमंद आज हो रहा है। यदि हम इसके माध्यम से चक्रवात साइक्लोन को यदि हम प्रेडिक्ट करते हैं तो हमारे कोस्टल एरियाज में रह रहे लोगों के लिए भी अध्यक्ष महोदय यह लाभदायक हो। इस प्रकार के प्रेडिक्शन हमारे मछुआरों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, यह तो मैंने एक दो उदाहरण केवल दिए हैं अध्यक्ष महोदय। बाकी स्पेस एप्लीकेशन से डेवलपमेंट में जो मदद मिलती है उससे भी मैं समझता हूं सदन के अधिकांश सदस्य अच्छी तरह परिचित होंगे। इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब भी हम इस प्रकार के मिशन स्पेस में या फिर चंद्रमा और सूर्य की ओर भेजते हैं तो सुदूर गांव में बैठे किसी बच्चे के मन में साइंटिफिक टेम्परामेंट स्वाभाविक रूप से जगता है और उसके भीतर भी इस बात की अलख जगती है अध्यक्ष महोदय कि वह भी आगे चलकर कुछ ऐसे ही करेगा। उसके अंदर यह प्रेरणा आती है कि एक दिन वह भी वैज्ञानिक बनकर भारत का नाम दुनिया में रोशन करेगा, और यही कुछ करने की तमन्ना ही अध्यक्ष महोदय राष्ट्र को स्वाभाविक रूप से आगे ले जाने का काम करती है। चंद्रयान 3 की सफलता से कितने रामानुजन, कितने भाभा या साराभाई अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े होंगे
यह हमें आज नहीं कुछ वर्षों के बाद यह पता लगेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम संस्कृति और विज्ञान दोनों को समान रूप से महत्व देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि हम एक को महत्व दे रहे हैं तो दूसरे का महत्व कम हो जाएगा। यह कोई जीरो सम गेम नहीं हुआ करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे ऋषियों मनीषियों ने बरसों पहले विज्ञान को न केवल धर्म के साथ जोड़ा बल्कि लोगों को इसके व्यवहारिक ज्ञान के बारे में भी बतलाया है। उनका मानना था यदि विज्ञान को सुव्यवस्थित ढंग से संवार कर मनुष्य के वेलफेयर के लिए उनके कल्याण के लिए लगाया जाए तो स्वाभाविक रूप से वह अपने आप धर्म बन जाता है। यही वजह है कि हमारे वेद उपनिषद दर्शन आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें विज्ञान स्वाभाविक रूप से यह पिरोया हुआ हम पाते हैं। उदाहरण के तौर पर वैदिक रिचुअल्स में स्वर्ग सूत्रों में ज्योमेट्री का सिद्धांत ये निहित पाए जाते हैं। जैसे मैं बतलाना चाहूंगा इस सदन को अध्यक्ष महोदय, जैसे हवन कुंड हम बनाते हैं तो अभी हमारे प्राचीन ज्योमेट्रिक कंसेप्ट पर ही आधारित होता है। यह बिल्कुल हमारी जनता के मन में उनकी सोच में यह पूरी तरह से रचा बसा है। और यही कारण है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सांस्कृतिक विरासत की महत्ता को अच्छी तरह स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी चंद्रयान 3 की सफलता के नायक डॉक्टर यश सोमनाथ, जिनका पूरे सदन ने अभिनंदन किया, उनके साथ सारे वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया, श्री डॉक्टर यश सोमनाथ जी ने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि वेदों में कई सारी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाली बातें कही गई हैं। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का तो संस्कृत के प्रति इतना गहरा विश्वास था कि वे अपने गणित के क्षेत्र में किए गए किसी भी कार्य को स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्म का ही वह अंग मानते थे। और अध्यक्ष महोदय, इसीलिए जो लोग यह कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति से विरक्त होकर विज्ञान को अपनाना चाहिए, दरअसल उन लोगों का यह समझना पड़ेगा उन्हें कि संस्कृत और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि संस्कृत और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। अध्यक्ष महोदय, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, रक्षा मंत्रालय का दायित्व तो मेरे ऊपर है और देश की सुरक्षा का कार्यभार देख रहा हूं। जब मैं यहां आ रहा था तो मैं रास्ते में सोचा कि चंद्रयान 3 की सफलता को देश के रक्षा मंत्री होने के नाते मैं किस नजरिए से देखता हूं। इस पर भी मैंने अपनी कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहूंगा। मैं अपनी बात पर आऊं इसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे भी ले जाना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, और कुछ एक उदाहरण भी इस सदन के समक्ष आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। आप सभी सदन के लोग अच्छी तरह अवगत हैं कि कुछ ही समय पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने के प्रयासों से काशी तमिल संगमम का भव्य और सफल आयोजन किया गया था। उसके कुछ समय बाद ही सौराष्ट्र तमिल संगमम का भी आयोजन उनके द्वारा किया गया था। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले का एक और उदाहरण देखिए कि सरकार के प्रयासों से कैसे उज्जैन में बाबा महाकाल के क्षेत्र में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया। विश्व की प्राचीनतम नगरी ज्ञान नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के परिसर के पुनरुद्धार का काम भी वहां पर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए अध्यक्ष महोदय। और राम मंदिर का एक और उदाहरण इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय मैं देना चाहूंगा, जो रामचंद्र जी देश के जनमानस में निवास करते हैं, उन राजा जी को अयोध्या में निवास करना कितना मुश्किल कार्य हो गया था। जाने कितनी पीढ़ियां इस प्रतीक्षा में ही निकल गई कि रामलला के मंदिर का निर्माण कभी होगा कि नहीं होगा। सैकड़ों वर्षों से राम मंदिर बनने का सपना पाले बैठे उन भक्तों ने इसे बस एक सपना भर ही मान लिया था, कभी न पूरा होने वाला सपना ऐसा मान लिया था। पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का प्रयास देखिए अध्यक्ष महोदय, कि आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य बड़े जोर शोर के साथ चल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र में सांस्कृतिक उत्कर्ष
उत्कर्ष के एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। राष्ट्र के प्रयासों से भगवान राम अपने नए अवतार में जल्द ही जनता के सामने होंगे और यह भारतवासियों की, मैं समझता हूं, एक बहुत बड़ी, बहुत शानदार यह उपलब्धि होगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कुछ और उदाहरण देखिए। गंगा जैसी अनेक नदियों का पुनरुद्धार किया गया। हम देशव्यापी अभियान चलाकर हम गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी नदियों की सफाई और उनके संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही अनेक उपक्रम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ी चीजों को सहेजने और सुरक्षित रखने का वह काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप सभी राष्ट्र के उपयुक्त विकास के लिए अनेक प्रकार की सुरक्षा से भी, मैं समझता हूं, सदन के सम्मानित सदस्य अच्छी तरह अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में, मैं समझता हूं, हम सभी समय समय पर चर्चा भी करते रहते हैं। अब तो पूरी हिम्मत है। पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है। मत इतिहास में मत ले जाओ। अधीर रंजन जी, इतिहास में मत ले जाओ। माने सदस्य प्लीज, चर्चा चीन पर भी। अध्यक्ष महोदय, अरे भाई, अब सुन लिया आपकी बात, मेरी बात सुन लिया। माने सर, आपको मौका देंगे जब आप बोलना। सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलेगा। और मैं बतलाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में कहीं पर अपने को डिबेट नहीं करना चाहता हूं। मैं चर्चा करने को तैयार हूं और सीना चौड़ा करके मैं चर्चा करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, आप सभी राष्ट्र के उपयुक्त विकास के लिए अनेक प्रकार की सुरक्षा से हमारे सदन के सम्मानित सदस्य अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा से अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में भी अवगत होंगे। अब तो स्पेस और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए नए डायमेंशन की जुड़ गए हैं। अध्यक्ष महोदय, पर इनके साथ ही अध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटी का एक और भी आयाम है जिसमें सुरक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी बाकी सब में है। और वह डायमेंशन है हमारी संस्कृति का, हमारी कल्चर का। और इसे मुझे कोई नाम देना हो तो उसे मैं सांस्कृतिक सुरक्षा और कल्चरल सिक्योरिटी का नाम यहां देना चाहूंगा। और अध्यक्ष महोदय, जब मैं यहां कल्चर अथवा संस्कृति के बारे में कुछ कह रहा हूं तो उससे मेरा मतलब हमारी जीवन पद्धति से, हमारे लाइफ सिस्टम से। संस्कृति से मेरा मतलब हमारे खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, रहन सहन और हमारे विचारों से है। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी राष्ट्र की अस्मिता को अक्षुण रखने के लिए, जिस तरह से वहां की सीमाई सुरक्षा और बाकी अन्य चीजों की सुरक्षा आवश्यक होती है, उसी प्रकार उसकी अस्मिता को बनाए रखने के लिए वहां की संस्कृति की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक होती है। और अध्यक्ष महोदय, और इन उदाहरणों से मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हमारी सरकार भारतीय सांस्कृतिक विरासत को तवज्जो देते हुए सांस्कृतिक सुरक्षा के प्रति भी उतनी ही गंभीर है जितनी अन्य बाकी सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, आज जब यहां पर चंद्रयान की चर्चा हो रही है, तो मैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इन उदाहरणों को आपके सामने क्यों रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये दोनों निश्चित रूप से अलग अलग विषय हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, पर ध्यान से देखेंगे तो यह सदन के सभी सम्मानित सदस्य यह पाएंगे कि इनके भीतर एक गहरा संबंध है।
इन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। अध्यक्ष महोदय, विश्व का इतिहास उठाकर कोई देखे तो आप पाएंगे कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बिना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक प्रगति की हो, दुनिया में कोई देश नहीं मिलेगा। जब तक संस्कृति समाज को जीवंत नहीं करती, उन्नत नहीं करती, उसे एक दिशा नहीं देती, तब तक समाज जड़ बना रहता है। और अध्यक्ष महोदय, अगर हम और आप अपनी गरिमा, अपनी आगामी पीढ़ी को यही बताएंगे कि अब तक हमारा जितना वैज्ञानिक विकास हुआ है वह केवल बाहर देशों के ज्ञान की नकल पर ही हुआ है, तो क्या हम अपने बच्चों को इस क्षेत्र में किसी भी सूरत में आगे बढ़ा पाएंगे? धीरे, हमारे अंग्रेजों ने अगर हमें अब तक यही पढ़ाया हो कि हमारा सारा का सारा ज्ञान दूसरे देशों की कॉपी भर है, उनकी नकल भर है, तो क्या श्री डॉक्टर सोमनाथ एवं इसरो के अन्य वैज्ञानिक भारतीय ज्ञान के बल पर, अध्यक्ष महोदय, कभी चांद तक पहुंचने का सपना शायद वह कभी न देख पाते? अगर उन्हें इस बात का विश्वास हुआ, अगर उनके मन में संकल्प जगा, तो इसलिए कि उन्हें मालूम था कि उनके पूर्वज आर्यभट्ट थे, उनके पूर्वज वराहमिहिर थे, उन्हें मालूम था कि उनके पूर्वज भास्कराचार्य थे, उनके पूर्वज ब्रह्मगुप्त थे और उनके पूर्वज सवाई जय सिंह थे, अध्यक्ष महोदय, इसलिए उनको यह प्रेरणा प्राप्त हुई। अध्यक्ष महोदय, हम सोचे कि एक बच्चा है जिसे समाज की प्रगति में केवल विदेशी नाम पढ़ाए जा रहे हैं, दूसरा बच्चा है जिसे ऐसे नाम पढ़ाए जा रहे हैं जो उसके अपने समाज से रहे हैं, ऐसे में किस बच्चे से आप अधिक कॉन्फिडेंस और मनोबल की उम्मीद करेंगे? यह स्वाभाविक है अध्यक्ष महोदय कि बाहर, वैसे तो मुझे बाहरी नामों से कोई इतराज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ज्ञान विज्ञान में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, यह भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, पर हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क में केवल और केवल बाहरी नाम यदि छाए रहे तो ऐसी स्थिति में बच्चा अपने बल पर समाज के विकास के सपने को जीवन में कभी नहीं देख सकता है। उसमें सपने भी आएंगे तो बाहर के समाज के विकास के ही सपने आएंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब हम महिलाओं और छोटी बच्चियों को इंस्पायर करने की बात करते हैं तो हमें यह प्रयास करते हैं कि उनके सामने विमन आइकन का उदाहरण रखें। तो जब हम भारतीय बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने का हम प्रयास करते हैं, तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि हम उनके सामने भारतीय आइकन्स का भी उदाहरण प्रस्तुत करें? इसलिए अगर हमें अपने समाज, अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है अध्यक्ष महोदय, हम अपने समाज और संस्कृति से सीखें, हमारे अपने आइकन्स को अपने बात व्यवहार में प्रतिष्ठित करें और उनका अनुकरण करें, यही हम सभी के लिए श्रेयस्कर होगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा और वह यह है कि चंद्रयान 3 की सफलता में देश की नारी की शक्ति की योगदान की मैं यहां चर्चा करूंगा। पूरा सदन अच्छी तरह जानता है कि इस मिशन में महिला साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। यह मिशन अगर इतना सफल हो पाया है तो इसके पीछे हमारे देश की नारी शक्ति का समर्पण उनका त्याग और राष्ट्र को नई पहचान देने की उनकी तमन्ना रही है अध्यक्ष महोदय। और संसद का यह विशेष सत्र नारी शक्ति वंदन विधेयक को समर्पित सत्र है, इसलिए इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। और ऐसे में मैं नारी शक्ति वंदन विधेयक को इसरो की महिला साइंटिस्ट और उनके साथ भारत की पूरी फीमेल साइंटिफिक कम्युनिटी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रस्तुत यह मैं उपहार में के रूप में इसे मैं देखता हूं, नारी शक्ति बंधन को अध्यक्ष महोदय। और यह सदन और राष्ट्र इसरो की महिला साइंटिस्ट और हर भारतीय बेटी को यह नमन करता है, उनकी सराहना करता है और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अपनी बातों को सार रूप में मैं यहां रखना चाहूं तो यह है कि चंद्रयान 3 की सफलता कोई एक्सेप्शन नहीं है, यह कोई अपवाद नहीं है, यह सहस्राब्दियों से चली आ रही हमारी सामाजिक, हमारी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धारा का एक स्वाभाविक और सहज रूप से एक विकास है अध्यक्ष महोदय। इस सफलता के सूत्र हमारे अतीत में ही छिपे हैं, ऐसा अतीत
यहां वैज्ञानिकता एक स्वभाव के रूप में विद्यमान थी हमारे यहां। यहां विज्ञान और आस्था के बीच एक पूर्ण सामंजस्य था। हालांकि विदेशी आक्रांताओं के चलते कुछ समय के लिए थोड़ा पिछड़ापन आ गया था, पर हम एक बार फिर से हुंकार भरते हुए पहले से भी अधिक ताकत के साथ उठ खड़े हुए हैं और सूरज चांद तारे अब हम छूने के लिए तैयार हैं और वहां पहुंच रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में बुद्ध के देवता श्री गणेश प्रथम पूज्य हों, ओम श्री गणेशाय बोलकर ही हम कोई काम प्रारंभ करते हैं, एवं विद्या की देवी सरस्वती प्रथम आराध्या हों, वह देश तो स्वाभाविक रूप से साइंटिफिक टेम्परामेंट को आत्मसात करते हुए सदैव एक नॉलेज सोसाइटी रहा है। हमारे यहां कहा गया है तेजस्विनावधीतमस्तु, यानी मैं व्हाट वी स्टडी बी रिम्प्रेंडेट, कि प्रार्थना करने वाले भारतीयों को सिर्फ चंद्रयान तक ही नहीं रुकना है अध्यक्ष महोदय, बल्कि उसके आगे जाना है। अभी अंतरिक्ष में अनेक लक्ष्य हमारा इंतजार कर रहे हैं, अभी हम भारतीयों को कई मानदंड यहां स्थापित करने हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वैज्ञानिकों की कामयाबी की एक दो और चर्चा करके अपनी बात यहां समाप्त करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, भारत द्वारा हमारे वैज्ञानिकों का करिश्मा देखिए, भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रह, इनमें से 324 में से 389 आउट ऑफ 424 जितने भी हमारे विदेशी उपग्रह हैं उसमें 389 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 9 वर्षों में लॉन्च किए गए हैं अध्यक्ष महोदय, और विदेशी उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया में बहुत तेजी से एक प्रमुख हस्तान हासिल कर रहा है। भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रहों में से 389 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 9 वर्ष में लॉन्च किए गए थे। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 157 मिलियन की कमाई पिछले 9 वर्षों में हुई, और इसी तरह अब तक की अर्जित 256 मिलियन यूरो में से 223 मिलियन मोदी शासन के 9 वर्षों के दौरान आए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं तुरंत ही जानकारी में यहां लाना चाहता हूं। एक बार अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अपने वैज्ञानिक समुदाय को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जल्द ही हम नए मिशनों को भी अंजाम देंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है, समस्त देशवासियों का भी विश्वास है। अध्यक्ष जी, अभी तो यह शुरुआत ही है, आने वाले समय में हमारा हाथ मंगल और शनि तक भी पहुंचेंगे और हमारा देश वहां भी अपना परचम लहराएगा अध्यक्ष महोदय, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सदन की ओर से राष्ट्र के वैज्ञानिकों को नमन करता हूं अध्यक्ष महोदय।